नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। उत्तर प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ गया है। योगी सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 1 जून से यूपी के 20 जिलों को छोड़कर सभी जनपदों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी के साथ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को फिलहाल अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडी भी पूर्व की भांति खुली रहेगी। प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड-19 के नियमों का अनिवार्यता से पालन करना अनिवार्य होगा। स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए अभी भी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स के लिए होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। धर्मस्थलों के अंदर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। तो इन तमाम गाइडलाइंस के साथ न्यू अनलॉक की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में लागू की गई। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज खान जुड़ चुके हैं। शहबाज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 600 से अधिक वालों पर अभी किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है, लेकिन जो इनसे कम वाले हैं उसमें क्या सिर्फ कुछ दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है या कौन कौन सी दुकानें खोल सकते हैं, किस तरह से वहां पर अनलॉक की प्रक्रिया की जाएगी? जी, बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जो नई गाइडलाइन जारी की है वो 1 जून से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावी तौर से लागू होगी। और जहाँ पर 600 से ज़्यादा केस हैं वहाँ फिलहाल अभी कोई छूट नहीं दी गई है। 7 जून तक वहाँ पर पहले की जैसी ही पाबंदी लगी रहेंगी। और बताना चाहो यूपी के जो 20 जिले हैं उनमें 600 से ज़्यादा केस हैं वहाँ पर जो है कोई छूट नहीं है। वहाँ पर वैसी ही गाइडलाइन जो अभी तक चल रही थी, जैसा कि जो लॉकडाउन चल रहा था कोरोना आंशिक कर्फ्यू से सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना था कि आंशिक कर्फ्यू लगाया गया, तो वैसे ही वहां पर कर्फ्यू का माहौल रहेगा। इन जिलों में कोई छूट नहीं है। उन जिलों में देखिए मेरठ आता है, लखनऊ है, सहारनपुर है, वाराणसी है, गाजियाबाद है, गोरखपुर है, मुजफ्फरनगर है, बरेली है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं है। क्योंकि इन जिलों में, जो बताना चाहूंगा आपको कि इन जिलों में अभी भी 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, इस वजह से सरकार ने इन जगहों पर अभी फिलहाल कोई छूट नहीं दी है। और जहां 600 से कम केस हैं वहां पर छूट देने का सरकार की तरफ से अनलॉक करने की जो बात कही गई है कि धीरे धीरे यूपी को अनलॉक किया जाएगा, और यूपी क्या और भी अन्य राज्य भी इसी तरह सिलसिलेवार ढंग से की जाएगी। शहबाज खान, कौन कौन सी दुकानें खोलने के ऊपर सरकार राजी हुई है, किन चीजों पर अनलॉक में फायदा मिलने वाला है? देखिए, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की है उसमें फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति की जो है उन्होंने उपस्थिति रहेगी, और शेष जो सरकारी कार्यालय हैं उसमें अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ वो भी खुलेंगे। वहाँ पर 50% जो काम करने वाले लोग हैं वहाँ मौजूद रहेंगे। और निजी कंपनियां, जिस प्राइवेट कंपनियां जो हैं उनको भी खोलने के आदेश दिए गए, लेकिन वहां पर मास्क की अनिवार्यता जो है उसको उस पे जोर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि घर से काम करने की ज्यादा जोर दिया जाए, जो सरकार पहले लॉकडाउन से करती चली आ रही है, चाहे वो पहली लहर की बात करी। समय सीमा तय की गई है जहां पर अनलॉक की स्थिति पैदा हुई है, जिन 20 जिलों को छोड़कर जहां पर अनलॉक किया जाएगा वहां पर किस तरह की समय सीमा रहने वाली है दुकानों के लिए, वर्कर्स के लिए? एक तारीख से जो यूपी में जो अनलॉक हो रहे हैं, जो 55 शहर अनलॉक हो रहे हैं, वहाँ की जो गाइडलाइन है वो सुबह 7 बजे से चीज़ें खुलेंगी, दुकानें खुलेंगी, शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे, सरकारी कार्यालय खुलेंगे, तो वो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। और इसके साथ ही जिन जिलों में छूट दी गई है वहाँ शनिवार और रविवार का जो साप्ताहिक लॉकडाउन जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगाया गया था वो भी जारी रहेगा। वो जो नाइट कर्फ्यू है वो भी जारी रहेगा। और जहाँ केस ज़्यादा हैं वहाँ पर फिलहाल कोई छूट नहीं है। और इसके साथ ही साथ जिन जिलों में छूट दी गई है वहाँ पे सब्जी मंडी पहले की तरह ही खुलेंगी, लेकिन प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल, जो ये भी कहा गया है कि जहाँ असल में सब्जी मंडी में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, चाहे वो पिछले लॉकडाउन की बात करें, कई तस्वीरें ऐसी आई थी कि सब्जी मंडी में विक्रेताओं द्वारा जो खरीदार थे वहाँ पे जो जाते थे वहाँ मास्क बगैर लगाए मौजूद रहते थे और सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ ख्याल नहीं रखा जाता था। इसलिए सरकार ने ये कहा गया है कि कहीं खुले में जो है वो मंडियां लगें जहाँ काफी जगह हो, खुला वातावरण हो,
तो सरकार द्वारा भी नई गाइडलाइन जो जारी की है यानी उस शहबाज खान हम ये समझ सकते हैं कि ये अनलॉक की प्रक्रिया पूरे कोरोना को ध्यान में रख के हुए इसको लगाया जा रहा है, इसी के साथ जिन शहरों में, जिन 20 जिलों की आपने बात करी, वहां पर जिस तरह से लगातार स्थिति नियंत्रण में नहीं है, अभी फिलहाल केसेस कम आ रहे हैं लेकिन 600 से ज्यादा केसेस हैं, इसलिए उसको समझते हुए सरकार ने वहां पर अनलॉक नहीं किया, और जिन जगह पर अनलॉक किया जा रहा है वहां पर सुबह 7 से शाम 7 बजे तक आपको दुकानें खोलने का और प्राइवेट कंपनीज को खोलने का जो आदेश है वो पारित कर दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज खान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी जिस तरह से अब अनलॉक की स्थिति पर आपने जाना कि किस तरह से कौन कौन से वो जिले होंगे जहां जो अनलॉक में नहीं आने वाले हैं, और कौन कौन से बाकी जिलों में जो अनलॉक की स्थिति पैदा हो रही है वहां पर भी कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा और सख्ती से कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करवाया जाएगा। लोग अपनी दुकानों को खोल सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अनिवार्य रहे, और इसको जो ध्यान में नहीं रखेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश पारित हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद आजम खान की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। आजम खान सीतापुर जेल में बंद थे और कोरोना संक्रमित होने के बाद उनको मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पहले उनकी तबीयत में सुधार हुआ लेकिन फिर बाद में उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। आजम खान को 5 लीटर प्रेशर की ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां की हालत नाजुक हो गई है। रामपुर से सांसद आजम खां का इलाज लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा है। मुलायम सिंह यादव के बाद में अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे 72 वर्षीय आजम खां को बीती 9 मई को लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। बीते दिनों उनको आईसीयू से भी बाहर प्राइवेट वार्ड में भर्ती करवाया गया था। गुरुवार को फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण उनको फिर से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। शनिवार सुबह हालत गंभीर होने पर आजम खां को फुल ऑक्सीजन सपोर्ट पर लाया गया। आजम खां ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, उनको फेफड़ों में फाइब्रोसिस की समस्या हो गई थी, इस वजह से आजम खां को लगातार सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बीच में उनका ऑक्सीजन लेवल कुछ सुधरा था जिसके बाद में सपोर्ट को कुछ घटाया गया था। पिछले 4 दिनों से उनको दोबारा आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, जहां पर लगातार उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। आजम खान के शरीर में कैविटी के कारण चेस्ट इन्फेक्शन से किडनी पर भी असर हुआ है। वह आईसीयू की क्रिटिकल केयर यूनिट में है। फिलहाल उनका इलाज 3 से 5 लीटर के ऑक्सीजन प्रेशर पर चल रहा है। आजम खान सीतापुर जिला जेल में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आए थे, उसके बाद में उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के साथ में उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 9 मई को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब्दुल्ला आजम खान इसके कहर से उबर गए, लेकिन आजम खान की हालत गंभीर बनी हुई है। डेस्क रिपोर्ट प्राइम टीवी। औरैया के कस्बा बेगुना में विश्व हिंदू परिषद के स्वयं सेवकों के द्वारा कोरोना महामारी के चलते लोगों को अद्भुत तरीके से जागरूक किया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा बगैर मास्क जो भी बाजार में दिखा उसका तालियों के साथ स्वागत किया गया, साथ ही उनको फूल की माला भी पहनाई गई। इस नए तरीके को देख अधिकांश लोग मास्क लगाकर गुजरते नजर आए। स्वयं सेवकों ने कहा, क्षेत्र के कई लोग कोरोना से हार गए जो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अपनी और अपनों के लिए मास्क लगाए। संदेश हमारा सिर्फ इतना है कि इस भयंकर महामारी में जब सरकार इतने कदम उठा रही है तो उसमें एक कदम हमारा भी बनता है, हमारी भी प्राथमिकता है कि हम अपनी सुरक्षा करें और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मास्क पहने, जो भी गाइडलाइंस दी गई उन नियमों का पालन करें। और सरकार को दोष नहीं देना है हमें, सरकार क्या करेगी, सरकार आपसे सिर्फ कह सकती है। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए जो जो नियम बताए। अयोध्या में बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या से हड़कंप मच गया। मामला थाना पुराक लंदर क्षेत्र के चांदपुर हरबंश गांव का है, जहां सुबह राशन लेकर दामाद जब ससुर के घर पहुंचा तो देखा कि दंपति मृत अवस्था में पड़े हैं। आनन फानन में उनके
पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि मृतक पति पत्नी का घर गांव से अलग किनारे था। पुलिस द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया गया, जिससे पता चला कि पति पत्नी के सिर पर किसी भारी चीज से प्रहार किया गया है, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के गांव चांदपुर हरवंश में आज 10 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक घर में पति पत्नी जो वृद्ध हैं उनका शव मिला है। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम यहां पे मौके पे आई और घटनास्थल के निरीक्षण से ये पता चलता है कि किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से इनके सर पे वार किया गया है और जिससे इनकी मृत्यु हुई है। ये दोनों अकेले रहते थे, गांव से सटे एक छोटा सा मकान जैसा कि आप देखें यहाँ बनाते ही अकेले रहते थे। हत्या किन कारणों से हुई है अभी इनके परिजन जो नहीं बता पा रहे हैं। इसमें तत्काल हमारी टीम लग गई है, इस घटना का अनावरण करेंगे। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त। शाहजहांपुर में समाज सेवी और परी नमकीन फैक्ट्री के मालिक विनय अग्रवाल द्वारा लगातार जरूरतमंदों को हर संभव मदद दी जा रही है। मालूम हो कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच जब लॉकडाउन लगा तो दिहाड़ी मजदूरों के आगे एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था रोजी रोटी का, लेकिन कुछ समाज सेवियों द्वारा हर जगह ऐसे लोगों की मदद की जा रही है। वहीं शाहजहांपुर में भी विनय अग्रवाल गरीबों की मदद में लग गए हैं और इस मुश्किल की घड़ी में गरीबों के मसीहा बनकर आए हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दिनों से लगातार सुबह चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन वितरित करने का बीड़ा उठाया है। तो समाज सेवी विनय अग्रवाल की सराहनीय पहल आप देख सकते हैं कि किस तरह से शाहजहांपुर में लगातार समाज सेवा कर रहे हैं ये, और कोरोना काल में जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं राशन और भुखमरी से पीड़ित हैं उनको लेकर ये लोगों के सुबह के नाश्ते, शाम का भोजन और दोपहर का खाना, ये तीनों टाइम का भोजन लोगों को ये प्रयोग करवा रहे हैं। महामारी पे जल्दी से जल्दी मुक्त होने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। 1 जनवरी को हम लोगों ने परी आपकी रसोई का संचालन चालू किया था। इसमें 10 रुपये प्लेट में लोगों को पेट भर भोजन की व्यवस्था है। इस महामारी को देखते हुए हम लोगों ने 1 अप्रैल से यहाँ पर जो 10 रुपये लोग चार्ज कर रहे थे उसे भी मुक्त कर दिया है। महामारी के समय में आदमी मुफ्त यहाँ पर आकर भोजन पेट भर प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ हम लोगों ने इस महामारी के अंदर देखते हुए जिला अस्पताल में जो मरीजों के देखरेख करने वाले लोग हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की है। सुबेरे 8 बजे वहाँ नाश्ता भेजा जाता है, इसमें चाय, बिस्कुट, रस, ऐसे ही दोपहर में वहाँ पर खाने के पैकेट जाते हैं और शाम को 7 बजे फिर औरैया जनपद के अछलदा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। बता दी कि बाइक सवार युवक एक कार्यक्रम में शामिल होने गया था, जिसके बाद लौटते समय बाइक निर्माणाधीन पुल के पास फिसल कर गिर गई। पीछे से आ रही तेज रफ्तार जाइलों की चपेट में आने से सड़क पर गिरे बाइक सवारों में से एक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद भाग रही जाइलो कार भी कुछ दूरी पर जाकर खंडर में पलटी, जिससे कार सवार महिला घायल हो गई। वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो कार ने बाइक सवार को रौंदा, उसके बाद कार भी जाकर खाई में पलट गई। बड़ा हादसा, भीषण हादसा औरैया में हुआ। कार की नंबर प्लेट भी आप देख सकते हैं, साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचते हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।